भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभा देवी की जय। आज मार्ग शीर्ष कृष्ण नवमी है। आज श्रीनाथ जी में शीतकाल का नवनीत प्रिया जी का प्रथम सखड़ी का मंगल भोग है। वैसे तो श्रीनाथ जी को नित्य ही मंगला में मंगल भोग उगाया जाता है, परंतु गोप मास एवं धनुर्मास में सखड़ी की सामग्रियों वाले चार मंगल भोग विशेष रूप से उगाए जाते हैं। मंगल भोग का भाव यह है कि शीतकाल में बालकों को पौष्टिक खाद्य खिलाया जाए ताकि बालक स्वस्थ एवं पुष्ट रहे। इसी भाव से ठाकुर जी को मंगल भोग उगाए जाते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इन चारों मंगल भोग में सखड़ी की सामग्री भी उगाई जाती है। एक और विशेषता यह है कि ये सामग्रियाँ श्रीनाथ जी में सिद्ध नहीं होती है, जबकि दो मंगल भोग श्री नवनीत प्रिया जी के घर से आते हैं तथा अन्य दो मंगल भोग द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से सिद्ध होकर आते हैं। अर्थात इन चारों मंगल भोग के दिनों में संबंधित घर से श्रीनाथ जी के भोग हेतु सामग्री आती है। आज का मंगल भोग श्री नवनीत प्रिया जी के घर का है, जिसमें विशेष रूप से सखड़ी, रसोई घर में सिद्ध चावल की खीर एवं रोटी के साथ शाक घर, दूध घर, खासा भंडार से विविध पौष्टिक सामग्रियां श्रीनाथ जी प्रभु के भोग हेतु आती है। श्रीनाथ जी को आज सकड़ी की सामग्री नहीं उगाई जाती है, अथवा मंगला में धूप दीप नहीं किया जाते हैं। मंगला से राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा जल्दी हो जाता है। आज की सेवा श्री कृष्णावती जी की ओर से होती है। आज विशेष रूप से मोती के काम वाले वस्त्र एवं गोल पाग तथा श्रृंगार आदि नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलका श्री दामोदर लाल जी महाराज जी की आज्ञा से धराए जाते हैं। आज कीर्तन भी मोती की भावना से गाए जाते हैं। कल मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को श्रीनाथ जी में प्रथम घटा होगी, अर्थात कल श्रीनाथ जी में हरि घटा के दर्शन होंगे। आज की साध सेवा में श्रीनाथ जी में आज श्याम रंग की साटन की पिछवाई धराई जाती है, जो रुपहले मोतियों की के बूटियों वाली होती है तथा रुपहली जरी के किनारी के हाशिया से सुसज्जित होती है। आज गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु को आज श्याम रंग के साटन के ऊपर बसरा के मोतियों के सुंदर काम वाला सूथन चोली, घेरदार वागा तथा मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र आज गहरे लाल रंग के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में प्रभु को आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण मोती के धराए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के श्रीमस्तक पर आज श्याम रंग के मोती के काम वाली गोल पाग सुशोभित की जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच मोतियों का दोहरा कतरा एवं शीशफूल धराए जाते हैं। ठाकुर जी के श्रीकर्ण में एक जोड़ी मोती के कर्णफूल धराए जाते हैं। प्रभु श्री वल्लभाधीश के श्रीकंठ में श्वेत एवं पीले पुष्पों की गुलाबी थाक वाली दो सुंदर मालाजी धराई जाती है। प्रभु के श्री हस्त में मोती के वेणुजी एवं वैत्रजी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट श्याम और गोटी चांदी की आती है। आज संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर दिए जाते हैं और छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं तथा प्रभु के श्री मस्तक पर रुपहरी लूम तुर्रा धराए जाते हैं। आइए आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों की चर्चा करते हैं। मंगला दर्शन में कीर्तन जलते निकस तीर सब आओ, राजभोग में मोती ते ही ठोर सब रारे, आरती में ते मेरी मोती की लर तोरी, शयन में आज बनी वृकभान कुंवर, मान में मान के कीर्तन में चढ़ बढ़ बिडर गई, और पौड़वे के कीर्तन में
रच रुच सेज बनाई का सुमधुर गायन होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।